तो दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती वर्ग 3 परीक्षा स्थगित को लेकर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये खबर आप सभी के पास में पहुंच चुकी होगी। दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं खबर क्या है। बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले नहीं होगी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा। दोस्तों बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से देश तथा दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी के प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश में होने वाली प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चली गई है और पीबी द्वारा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की तारीख अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निर्धारित यहां पे की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन स्थिति होने के कारण परीक्षा का आयोजन कराने की तैयारी नहीं कर पाया। पीबी अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी अभी नहीं हो सकी है। अभी परीक्षा की तिथि को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि परीक्षा अब नवंबर 2020 के पहले आयोजित यहां पर नहीं हो सकेगी, क्योंकि परीक्षा आयोजन कराने के लिए कॉलेजों से अनुबंध यहाँ पर किए जाते हैं। कोरोना वायरस के कारण अधिकांश कॉलेजों की परीक्षा यहाँ पर स्थगित कर दी गई है, इसलिए सामान्य स्थिति होने के बाद में कॉलेज पहले अपने एग्जाम कराएंगे, इसके बाद में पीबी के एग्जाम हो सकेंगे। वही परीक्षा कराने की तैयारी भी पर्याप्त समय के लिए आवश्यकता होगी और कुछ समय बाद पीबी के अधिकारी जो वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये खबर आप सभी के पास में पहुंच चुकी होगी। दोस्तों आपको बता दें ये खबर पूरी तरह से फेक है। वर्ग 3 परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। आपके जो एग्जाम होने वाले 25 अप्रैल से शुरू होने वाले, पीबी ने इसके लिए यहाँ पर कोई भी जो आदेश है वो जारी नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर पीबी के ऑफिशियल वेबसाइट वर्ग 3 परीक्षा स्थगित को लेकर ऐसा कोई भी जो आदेश है वो जारी नहीं किया गया। तो दोस्तों 17/3/2020 को एक जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 3 के जो संबंध में भाड़सा गुरु प्रेस विज्ञप्ति में जो पीबी के जनसंपर्क जो 561/2020 भोपाल दिनांक 16/3/2020 को यहाँ पर खंडन किया जाता है और पीबी द्वारा जो परीक्षा स्थगन समिति कोई विज्ञप्ति यहाँ पर जारी नहीं की गई है। बोर्ड द्वारा परीक्षा संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर जारी की जाती है। अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उक्त अनुसार निरंतर भ्रमक जानकारी से भ्रमित न हो। तो दोस्तों वर्ग 3 के एग्जाम में वो 25 अप्रैल से शुरू होने वाले, आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो। तो दोस्तों पीईबी नियंत्रक AKS भदौरिया जी का यहाँ पर कहना है कि निर्देशों का पालन करेंगे। बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की तारीख 25 अप्रैल तय की है। इसमें एक महीने का वक्त है। अभी इस बारे में कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। शासन के जैसे निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। दोस्तों वर्ग 3 परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। वर्ग 3 के एग्जाम में 25 अप्रैल से शुरू होने वाले, बस दोस्तों आपको तैयारी करते रहना चाहिए। दोस्तों अब जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज निकलेगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।